तेरे अभाव अजदाद के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने 700 साल तक सल्तनतें चलाई हैं, दो तिहाई दुनिया के ऊपर रूल किया है। हल्का मत ले अपने आप, ये जितनी चीजें तुम हासिल कर रहे हो ये इस्लाम हमें दर्ज देता है, हासिल करो, ज्यादा से ज्यादा हासिल करो। अगर पैसा है तो खूब पैसा बनाओ, डिग्रियां हैं, तालीम है तो आला दर्जे की तालीम हासिल करो। कि इंसान की खुदी को मैं जितना उभारना चाहूं, कहूं बेटा तू बहुत कुछ कर सकता है, तेरे अंदर अल्लाह ने वो सलाहियतें रखी हैं, तुम्हारी वो लेगेसी है असलाफ की, अपने खानदान को मत देख सिर्फ, तू नवाबों की औलाद है, तू मुगलों की औलाद है, तेरे आबाओ अजदाद के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने 700 साल तक सल्तनतें चलाई हैं, दो तिहाई दुनिया के ऊपर रूल किया है। हल्का मत ले अपने आप को, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा कि जब तक खुदी को वो मंजिल ना दिखाई जाए जिसके लिए मैं बना हूं। इंसान कुर्बान सिर्फ अपने आप को तब करता है, डिस्ट्रैक्शन से तब बचता है, गलत कामों से इसलिए बचता है, अपने आप को सुबह इसलिए उठाता है, कुर्बानी वक्त की, दोस्तों की, फैमिली की, पैसों की इसलिए देता है, गलत फैसला इसलिए नहीं चुनता है कि जब उसके पास कहीं पहुंचने के लिए कोई मंजिल हो, कोई मकसद हो। ये जितनी चीजें तुम हासिल कर रहे हो ये इस्लाम हमें दर्ज देता है, हासिल करो, ज्यादा से ज्यादा हासिल करो। अगर पैसा है तो खूब पैसा बनाओ, डिग्रियां हैं, तालीम है तो आला दर्जे की तालीम हासिल करो, ताल्लुकात है तो चप्पा चप्पा गली का तुम्हें जानता हूं और सलूट मारता हूं, लेकिन ये तो तुम्हें फिरौन बना देगी, ये तो ऐसी बादशाहतें पहले लोगों को मिली है जो उनको फिरौन बना गई। वो मकसद होता है जिसके लिए सारी चीजें की जाती हैं, वो मकसद क्या है, क्या करना चाहते हो। जिन्होंने वो पाकिस्तान हासिल करना था वो खुदी भी बैठती नहीं थी आराम से, वो ललकारती थी हर बातिल को, हर गलत के आगे खड़ी होती थी, और उसको जब डराया जाता था किसी तूफान से तो वो खुद तूफान बन के आती थी।